वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी कालू कौवा को बहुत बातें सुना रहे होते हैं। अरे कालू कौवा, तुमने हम सब पक्षियों के साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हें उन 10 पोटलियों में से एक पोटली चुराने की क्या जरूरत थी? अरे पक्षियों, मेरा अनार खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने एक पोटली अपने पास ही रख ली। और फिर मुझे क्या पता था कि चील महाराज हमारे साथ इतना बुरा करेंगे। ये कहानी एक जंगल की है, जहाँ पर ठंड का मौसम आ गया होता है और काफी ज्यादा बर्फ भी झड़ रही होती है। अरे पक्षियों, इस बार मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जंगल में ठंड भी आ गई है और ठंड के साथ साथ हमारे पेड़ों पर अनार भी आ गए हैं। अब हम सब पक्षी खूब मजे से अनार खाएंगे। अरे हाँ कालू कौवा, इस बात की खुशी तो मुझे भी बहुत है। वहाँ पर ये सभी बातें चल रही होती हैं कि तभी वहाँ पर तोता महाराज आ जाते हैं। अरे पक्षियों, तुम में से कोई भी ये अनार नहीं खा सकता है, क्योंकि हमारे जंगल में ठंड का मौसम आ गया है और फिर हमारा सारा अनाज भी खत्म हो गया है। और तो और ठंड के मौसम में गेहूं की फसल भी नहीं होती है, इसीलिए हमें अपने अनार दूसरे जंगल में जाकर बेचने होंगे, ताकि वो हमें अनार के बदले गेहूं का अनाज दे सकें। परंतु महाराज, हम सबकी अनार खाने की बहुत इच्छा थी। मीनू चिड़िया और पक्षियों, तोता महाराज एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि गेहूं तो हमारा भोजन है, और भला हम इन खट्टे अनारों को कब तक खाएंगे? पेट तो हमें अपने गेहूं के अनाज से ही भरना पड़ेगा, इसीलिए तोता महाराज एकदम ठीक कह रहे हैं। अरे पक्षियों, तुम सब जल्दी से इन सारे अनारों को तोड़ दो और फिर हम इन अनारों को पोटलियों में बांधकर चील महाराज को बेच देंगे, और फिर चील महाराज हमें अनार के बदले गेहूं का अनाज दे देंगे। फिर उसके बाद वो सभी पक्षी अनार को तोड़ने में लग जाते हैं और कुछ ही देर में वो सभी पक्षी उन सारे अनारों को तोड़ लेते हैं और पोटलियों में बांध बांध कर रख देते हैं। अरे पक्षियों, चलो अब हमारा ये काम तो हो गया, अब हमें ये सारी पोटलियाँ चील महाराज के घर पर पहुँचानी है। अरे कालू कौवा, रात को इन सारी पोटलियों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इन सारी पोटलियों का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम सब पक्षी बेफिक्र हो जाओ, मैं रात को जाकर इन सारी पोटलियों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर उसके बाद जंगल में रात हो जाती है और जंगल के सभी पक्षी सो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा पूरी रात जागकर अनार की पोटलियों का अच्छे से ध्यान रखता है। मेरा कितना मन था अनार खाने का, लेकिन मैंने खाया क्या, एक अनार का दाना भी खाने के लिए नहीं मिला है। अरे कालू जी, तुम एकदम ठीक कहते हो, हम इतने ठंड के मौसम में पूरी रात जागकर इन पोटलियों की देखभाल कर रहे हैं, भला इसमें हमारा क्या फायदा? अरे गोरी कौवी, अगर हम इन अनार की 10 पोटलियों में से एक अनार की पोटली छिपाकर रख लें, तो चील महाराज को क्या पता चलेगा, वो तो 9 पोटलियों का ही हिसाब कर लेंगे। लेकिन परंतु कालू जी, अगर तोता महाराज ने चील महाराज से 10 पोटलियों का हिसाब मांगा तो फिर हम तो पकड़े जाएंगे। अरे नहीं नहीं गोरी कौवी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इन 10 पोटलियों में से एक अनार की पोटली
अपने घोंसले में ही छिपा लेते हैं। बस फिर क्या था, कालू कौवा और गोरी कौवी 10 अनार की पोटलियों में से एक अनार की पोटली अपने घोंसले के नीचे छिपा लेते हैं। फिर उसके बाद अगली सुबह हो जाती है और कालू कौवा और मीनू चिड़िया सारी पोटलियों को दूसरे जंगल में चील महाराज के पास ले जाते हैं। अरे चील महाराज, ये देखो हमारे ताजे ताजे अनार, और ये अनार खाने में बहुत ही ज्यादा मीठे और खट्टे लगते हैं। आप इन अनार को खरीद कर हमें इनके बदले गेहूं की पोटलियां दे दो। चील महाराज बहुत ही ज्यादा सातिर होते हैं। वो सारी अनार की पोटलियों को देखकर अपने मन ही मन कहते हैं, अरे वाह, ये अनार तो बहुत ही अच्छी नस्ल के लग रहे हैं, और ये अनार तो किसी किसी जंगलों में पाए जाते हैं, महंगे, और ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती अनार हैं। लेकिन ये पक्षी तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं, चूजे इतने कीमती अनार मुझे बेचने के लिए आ गए हैं। अरे पक्षियों, मैंने देख लिए हैं ये अनार इतने भी खास नहीं हैं, लेकिन मैं तो इन अनार को तोता महाराज के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और हाँ पक्षियों, मैं आपको 10 पोटलियों के बदले में 5 गेहूं की पोटलियां ही दूंगा। 5 गेहूं की पोटलियां? लेकिन चील महाराज, ये तो आप बहुत ही ज्यादा कम दे रहे हैं। अरे मीनू चिड़िया, मैं ये भी तुम्हें बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे बेकार अनार की यही कीमत है। लेकिन मैं पहले ये 10 पोटलियां तो गिन लूं, कहीं इसमें से एकाध कम ना हो। ये बात सुनकर तो कालू कौवा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और चील महाराज वो सारी पोटलियां गिनने लगते हैं। अरे धोखेबाज पक्षियों, तुम 10 अनार की पोटलियां कहकर मुझे 9 पोटलियां बेच रहे थे, और तुम दोनों पक्षी मुझसे गेहूं की 10 पोटलियां मांग रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी ये पोटलियां गिन ली, वरना तुम तो मुझे बैठे बैठे चूना लगाकर भाग जाते। अरे चील महाराज, मुझे नहीं पता था कि ये 10 पोटलियों के बजाय 9 पोटलियां हैं। ये खुद मुझे अब पता चला है। अरे कालू कौवा, अब तुम ही मुझे बताओ कि हमारी 10 पोटलियों में से एक पोटली कहाँ चली गई? हम सब पक्षियों ने तो पूरी 10 पोटली बनाई थी। अरे मीनू चिड़िया, मैं तुम जैसे गरीब पक्षियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, कि तुम गरीब पक्षी हम जैसे अमीर पक्षियों को कैसे लूटते हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा अकलबंद हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। और तुम्हारी सजा यही है कि ये 9 अनार की पोटलियां मेरी, और मैं तुम्हें इसके बदले कुछ भी नहीं दूंगा। बड़े आए मुझे बेवकूफ बनाने वाले, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे ये 9 अनार की पोटलियां कैसे ले जाते हो। अरे भाई चील महाराज, ऐसे कैसे, ये तो एकदम सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि हमें ये सब कुछ नहीं पता था, हमें भी यही आकर पता चला है। और हाँ, अगर तुम्हें अनार नहीं खरीदने हैं तो तुम हमसे साफ मना कर दो, हम कहीं दूसरे जंगल में जाकर किसी और महाराज को बेच देंगे। सैनिकों, इन धोखेबाज पक्षियों को मेरे जंगल से बाहर निकाल कर फेंक दो। फिर उसके बाद एक सैनिक आकर मीनू चिड़िया और कालू कौवा को वहां से भगा देता है। अरे वाह, आज तो मुझे मजा ही आ गया, मैंने उन मूर्ख पक्षियों को कैसा बेवकूफ बनाया है,
ना तो उन्हें अनाज दिया और ना तो कुछ और मैंने उनके बड़े बड़े अनार हथिया लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी कालू कौवा को बहुत बातें सुना रहे होते हैं। अरे कालू कौवा, तुमने हम सब पक्षियों के साथ बहुत बुरा किया है। तुम्हें उन 10 पोटलियों में से एक पोटली चुराने की क्या जरूरत थी? अरे पक्षियों, मेरा अनार खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने एक पोटली अपने पास ही रख ली। और फिर मुझे क्या पता था कि चील महाराज हमारे साथ इतना बुरा करेंगे। अरे पक्षियों, मैंने माना कि कालू कौवा ने एक पोटली चुराकर बहुत बुरा किया है, लेकिन चील महाराज को तो देखो, उन्होंने तो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। हमें कितनी आसानी से बेवकूफ बनाकर हमारी सारी अनार की पोटलियाँ हमसे छीन ली हैं। वहाँ पर यही सब बातें चल रही होती हैं कि तभी बंटी कबूतर पड़ोस के जंगल से अपने जंगल में वापस आ जाता है और वो पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, तुम अपने सामने ये अनार की पोटली रखकर क्या अनार खा रहे हो? तुम मुझे भी अनार खिलाओ पक्षियों। अरे बंटी कबूतर भैया, हम बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। वो क्या है कि दूसरे जंगल के चील महाराज ने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। फिर उसके बाद मीनू चिड़िया बंटी कबूतर को चील महाराज की सारी बातें बताती है। अरे मीनू चिड़िया, मैं उन चील महाराज को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा सातिर हैं और मुझे ये तुम्हारे अनार तो बहुत ही ज्यादा महंगे और अच्छी नस्ल के लग रहे हैं। ऐसे अनार तो किसी भी जंगल में नहीं मिलते हैं, इसीलिए चील महाराज ने अच्छे अनार देखकर आप सब पक्षियों को बेवकूफ बनाया है। परंतु बंटी कबूतर, वो चील महाराज तो हमारे अनार को खराब कह रहा था। अरे पक्षियों, यही तो उसकी चालाकी है, वो अच्छी चीज को खराब कहकर पक्षियों से हत्या लेता है। मतलब बंटी कबूतर, चील महाराज को हमारे अच्छे अनार की वजह से 10 बोरी अनार की देनी चाहिए थी। अरे बाप रे, पहली बार हम पक्षियों को किसी ने इतनी बुरी तरीके से बेवकूफ बनाया है। अब हमारे पास तो खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। अरे मीनू चिड़िया, तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों अभी चलकर उस चील महाराज को सबक सिखाते हैं। फिर उसके बाद बंटी कबूतर मीनू चिड़िया को अपना उपाय बताने लगता है। फिर उसके बाद मीनू चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी आखिरी पोटली अनार की लेकर चील महाराज के पास जाते हैं। अरे तुम सब पक्षी फिर आ गए मेरे पास। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा, तुम सब चले जाओ यहाँ से। अरे चील महाराज, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी आपने हमें अनाज ना देने की बहुत बड़ी सजा दे दी है। परंतु आप ये देखो, मैं एक और अनार की पोटली लेकर आया हूँ और मैं जानता हूँ कि ये अनार बहुत अच्छे हैं। मैं ये एक पोटली तो केवल आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ऐसे अनार तो हमारे जंगल में खूब सारे लगे हुए हैं। अरे क्या कहा तुमने, तुम्हारे जंगल में ऐसे बहुत सारे अनार अभी और लगे हुए हैं? अरे हाँ चील महाराज, ऐसी अनार की पोटलियाँ अभी हमारे पास 20 और हैं, और वो पोटलियाँ हम आपको बेचना चाहते हैं। लेकिन हम 20 अनार की पोटलियों के बदले हम आपसे 10 अनार की पोटलियाँ लेंगे। 20 अनार की पोटलियों का सुनकर चील महाराज अपने मन में सोचते हैं, अगर मुझे 20 अनार की पोटलियाँ और मिल जाएंगी तो मेरा फायदा ही हो जाएगा।
मैं इन दुष्ट पक्षियों को 10 अनाज की पोटलियां दे देता हूँ, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा है। अरे बंटी कबूतर, मुझे ये सब कुछ मंजूर है, तुम मुझे 20 अनार की पोटलियां लाकर दे दो। अच्छा ठीक है चील महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सबसे पहले आपसे 10 अनार की पोटलियां लेकर जाऊंगा, फिर उसके बाद ही मैं आपको 20 अनार की पोटलियां दूंगा। अच्छा ठीक है बंटी कबूतर, मुझे सब कुछ मंजूर है, बस तुम जल्दी से 20 अनार की पोटलियां लाकर दे दो। फिर उसके बाद बंटी कबूतर और मीनू चिड़िया 10 अनाज की पोटलियां लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे वाह बंटी कबूतर, आपने तो चील महाराज को बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना दिया है। फिर उसके बाद वो सभी पक्षी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब उनके जंगल में भोजन की कोई भी कमी नहीं थी। और इधर दूसरी तरफ चील महाराज तो इंतजार करते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उनकी 20 अनार की पोटलियां लेकर नहीं आता है। अरे महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पक्षी आपको बेवकूफ बनाकर आपसे 10 अनाज की पोटलियां ले गए हैं और अब वो पक्षी आपके पास वापस नहीं आएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो पक्षी मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे 10 अनाज की पोटलियां ले गए हैं। अरे महाराज, अगर आप हुक्म दें तो हम सब सैनिक जाकर उनके जंगल में उन पक्षियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। अरे नहीं नहीं सैनिक, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि उस जंगल के पक्षी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, वो हम पक्षियों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए तुम ऐसा कुछ भी मत करना। बस फिर चील महाराज को उनकी गलती की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और हाँ दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। और हाँ दोस्तों आज का सवाल ये है कि एक अनार की पोटली किसने चुराई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।